क्यों बोलते हो, मेरे को भी ना, मेरा जाना है ना खाना भी खाया नहीं जा रहा मेरे को मालूम है, ये अपना ये करके क्या बोलते हैं मेरे सिर पे कर्जा रख के, मेरे को भी तकलीफ हो रही मैडम, नहीं हो रही क्या, मेरे को भी होती है कि मेरे को बॉल आ रहा है। कर लेना है सर आपको। हेलो हेलो, आप कौन सर? मैं बैंक से बात कर रही हूँ सर। बैंक कौन से बैंक? RBL बैंक से सर। हाँ जी बोलिए, आपका नाम? मेरा नाम स्नेहा है सर। क्रेडिट कार्ड का पेमेंट ड्यू है ना सर आपका? ओके, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? ये अमीरपेट ब्रांच है सर। अच्छा, एजेंसी से बोल रहे हैं आप? अमीरपेट ब्रांच। ओके ओके, बैंक से या एजेंसी से मैडम? नहीं नहीं बैंक से सर, बोलिए। बैंक से बात कर रहे हो? हाँ बोलिए मैडम। ये पेमेंट आपका ड्यू है ना सर क्रेडिट कार्ड का? हाँ ड्यू है मैडम, थोड़ा टाइम लगेगा मेरे पैसे आने में, तो टाइम लगेगा मैडम, लेकिन पूरा जो भी आपका है मैं क्लियर कर दूंगा, ठीक है ना? थोड़ा टाइम होना है मुझे। टाइम बोले तो कितने दिन का सर? 3 दिन का, हफ्ते का, 15 दिन? मैं करेक्ट में बोल नहीं सकता हूँ। क्यों बोलो तो मैं बोल नहीं सकते, बोले तो एक बार बोलती हूँ। हेलो, सुनो सुनो सुनो, बोलिए बोलिए। अभी मैं फेक कमिटमेंट देके फायदा नहीं है उसका, इसलिए मैं बोलना चाहता हूँ, लेकिन जो भी आपका जो भी है मैं क्लियर कर दूंगा, ठीक है ना? मगर कोशिश तो करिए सर, एटलीस्ट मिनिमम 10,500। सुनिए ना, मैं कोशिश तो मेरा कर रहा हूँ, कोशिश तो नहीं कर रहा करके नहीं कर रहा हूँ, क्यों बोलो तो मेरा सिर्फ इतने महीने तो नहीं लगते ना सर, बोलिए। 3 महीने से नहीं है ना सर पेमेंट, आप भी सोचो ना। सुनो सुनो, एक बार बोलो, जब मेरे पे कर्जा है तो कोशिश तो पक्का रहेगा ना मैडम? तो मैं अभी टोटल आउटस्टैंडिंग के बारे में नहीं बात कर रही हूँ सर। सुनो, मैं टोटल आउटस्टैंडिंग ही क्लियर करेंगे, देख रहा हूँ मिनिमम पेमेंट में मैं जाना नहीं चाह रहा। टाइम लगते जा रहा ना सर, एक 20,000 करने से भी क्लियरेंस हो जाता ना सर? ना ना ना, वैसा नहीं होता है मैडम, मुझे भी मालूम है उसके बारे में, ठीक है ना? मैं भी जानता हूँ, मैं भी हैदराबाद में रहने वाला हूँ, मैं भी जानता हूँ कि वो कैसा क्लियर करना क्या है, ठीक है ना? मैं कर दूंगा जो भी है, ठीक है ना? नहीं थोड़ा टाइम, के दिन कॉल करती हूँ सर, मैं मंडे के दिन कॉल करती हूँ सर, कंफर्म कर दीजिए कब तक लगेगा। मैं तो अभी बोल रहा हूँ, मैं 10 तारीख तक क्यों जा रहे हो? मैं तो अभी नहीं सर, अभी और टाइम लगता बोल के बोल रहे हैं ना, 10 तारीख के दिन फाइनल कमिटमेंट दीजिए। मैं नहीं दे सकता मैम, क्यों बोलो तो मेरे पास अभी नहीं है, ठीक है ना? नहीं बोले तो सर, अभी 3 महीने का पेमेंट बाकी है सर। हाँ मैं जानता हूँ मैडम, मैं जानता हूँ, मैं ना तो ना बोल रहा हूँ, एटलीस्ट हाँ सर, एटलीस्ट थोड़ा थोड़ा करने से तो ना, क्लियर ना, तो हो जाता ना। टोटल क्लियर करेंगे करके देख रहा हूँ मैडम मैं, ठीक है ना? मैं कर दूंगा, लेकिन मैं आपका जो भी है टोटल क्लियर करूंगा, लेकिन थोड़ा टाइम होना मुझे, ठीक है ना? ठीक है, हाँ मैं पक्का कर दूंगा, आपका 1 रुपए भी नहीं रखूंगा, मैं कर दूंगा, लेकिन क्या है मालूम है मेरे को बाहर से पैसे आने के, क्यों कुछ बोलते ना अपन चिट्ठी गिट्टी बोलते ना, आप जानते होंगे वो पूरा, ठीक है? हाउस नंबर 3-10-1 नहीं रहता, वो अपना हैदराबाद में ही है, वहाँ नहीं रहता मैं, थोड़े बगल में रहता हूँ, ठीक है ना? हाँ आप कभी भी एजेंट भेजना तो भेज सकते हो आप, कभी भी मतलब कभी नहीं, रात में 7:30 के बाद, या नहीं तो संडे के दिन। सर सोनी ट्रांसपोर्ट सोल्यूशन? सोनी ट्रांसपोर्ट सोल्यूशन नहीं है अभी, मैं वहाँ जॉब करता था, अभी नहीं कर रहा हूँ। हाँ पहले करता था, अभी नहीं कर रहा हूँ, ठीक है ना? हाँ छह तो आप जाके चेक कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं है उसमें। आप घर के पास नहीं मिल रहा था बोल के बता रहे थे। कौन सा एजेंट? नहीं आपका एजेंट, आपका एजेंट है ना, कलेक्शन एजेंट नहीं, अभी उनके पास नहीं है सर, जो प्रीवियस आपके वो कॉल करता था उनके पास नहीं है। अच्छा, अभी नेक्स्ट डिपार्टमेंट को फ्लो हो चुका है ना? हाँ मैं जानता हूँ, मैं जानता हूँ। आपका जो एड्रेस है वहाँ पे ही है मैडम, जो एड्रेस दिया है ना नेहरू नगर वहाँ पे ही है, लेकिन आने से पहले मैं एक बार कॉल करने के लिए बोलना, ठीक है ना मैडम? मैं शाम में देखो मंडे टू सैटरडे शाम में 7:30 बजे बाद मिल सकता हूँ, नहीं तो संडे के दिन कभी भी आने से बारे में आने के टाइम में कॉल किया तो मैं घर पे रहता हूँ, मैं पक्का बोलूंगा, लेकिन घर पे रहूंगा 100% तो घर पे रहूंगा, संडे के दिन मिलना है तो, ठीक है ना? मैं खुद बोल रहा हूँ, लैंडमार्क बोल सकते हैं? लैंडमार्क एनएफसी हाँ ठीक है मेरे को, लेकिन आने टाइम एक बार कॉल करने के लिए बोलना, ठीक है मैडम? ठीक है सर, उतना जरूर तो नहीं है सर, मगर आप पेमेंट का तो कोशिश करके ये महीने में क्लियर करने का तो देखिए। सुनो ना मैडम,
जब आप मेरे को एड्रेस पूछ रहे हो तो इसका मतलब तो विजिट करना ही है ना, नहीं तो क्यों पूछते हैं आप, है कि नहीं? मैं तो देखो उतना जरूरत तो नहीं होता ना, व्हेन यू आर कंफर्ट इन हमारा कॉल आंसर करके बोलने से। सुनो देखो मेरे इसमें आपका आरबीएल का जो लोग है वो भी आया, लोगो मतलब जो स्पैम में है, ऑलरेडी स्पैम में रखे सो ये नंबर जो आप मेरे से बात कर रहे हैं, फिर भी मैं रिसीव करा, मुझे मालूम है। क्यों बोले तो अभी मेरा थोड़ा इशू चल रहा है, मैं आपको बोले तो कुछ गलत नहीं है। अभी देखो मैं आपका फोन नहीं उठाऊंगा, कट करूंगा, ब्लैक लिस्ट में रखूंगा, वो क्या होता है वो वेस्ट है, वो कुछ काम का नहीं है, ठीक है ना। और इससे पहले जितने भी लोग मेरे से बात करे, जो मेरे पास विजिट करे, उनका पूरा वीडियो है मेरे पास और आपका कॉल भी रिकॉर्ड हो रहा है मेरे पास, ठीक है ना। क्यों बोला तो अपना भी थोड़ा देख ना, क्यों बोला तो क्या हो रहा है मालूम है मैडम आपको, मैं बोलता हूँ। जो एक बार आता है एजेंट, ठीक है ना, जो एक बार आता है वो क्या बोलता है, मैं 10 बार आके गया तुम नहीं मिले, इसलिए बेचारा वो आरबीआई वाला परसों दिन 2 करोड़ रुपए फाइन डाला था ना आप लोगों को, पर याद आपको पता होगा 2.227 डाला मालूम है ना आपको, 20 तारीख को डाला है लास्ट मंथ। किसके, आपका ऊपर? नहीं, मेरे पास 2 करोड़ का ही को डालेगा मैडम, आपका आरबीएल बैंक पे डाला है ना। थोड़ा कैसा बोलो तो थोड़ा रैश बात करते, मिसबिहेव ऐसा अच्छा नहीं रहता एजेंटों का, तो जरूरत तो नहीं पड़ता सर, देन यू आर रिस्पॉन्डिंग अ कॉल नो सर, मैडम नो इज जॉब सेंडिंग द पर्सन, उधर जरूरत तो नहीं रहता ना सर। नहीं नहीं थोड़ा रहता ना मैडम, थोड़ा गुंडे लोगों को बेचते, थोड़ा रोडी शीटर लोगों को बेचते, मुझे पता है मैडम, वो पूरा मुझे मालूम है। तो आप लोगों की तरफ से वो पूरा होता है ना मैडम, जो गुंडे लोगों को भेजना विदाउट आईडी कार्ड, विदाउट ऑथराइजेशन लेटर, विदाउट ये क्या बोलते हैं विजिटिंग लेटर, अपने डीआरए का कोर्स नहीं करते वो लोग, डीआरए का कोर्स नहीं करते। नहीं सर, अगर आपसे मिलना कौन तो भी किसको तो भी भिजाना है बोले तो आई सेंड माय मैनेजर ओनली सर। ओके ओके, आप भिजाइएगा, बात करेंगे अपन कभी भी, ठीक है ना मैम। जब तक लेकिन मेरा वो थे कि मैं क्लियर कर दूंगा, वो तो मैं पक्का बोल रहा हूँ, मैं आपका 1 रुपए भी नहीं रखूंगा। वही तो सर, आपका कोशिश आप करिए, मैं ऑलरेडी कोशिश में हूँ मैडम। क्यों बोले तो मेरे को भी ना, मैं खाना भी खाया नहीं जा रहा मेरे को मालूम है, ये अपना ये करके क्या बोलते हैं मेरे सिर पे कर्जा रख के, मेरे को भी तकलीफ हो रही मैडम, नहीं हो रही क्या, मेरे को भी होती है कि मेरे को कॉल आ रहा है। कर लेना है सर आपको सेटलमेंट, बोलो तो आप सिविल गया, अब बोलो कितने में होगा मैडम, कुछ बोल सकते कितना है बोलो। मेरा अभी कुछ मैसेज मेरे ख्याल से आया था, मैं उतना नहीं देखा हूँ मैं बाय चांस, जस्ट इंफॉर्मेशन के लिए कितने में हो जाएगा बाय करना है तो। एक मिनट सर, हाँ थोड़ा मेरे को चेक करके बताइए ना। सर 110 अलग हो सकता है सर, 110,000। एक्चुअली मैडम मैं यूज कितना किया था मैम उसमें, यूज कितना किया हूँ मैं उसका डिटेल्स तो मैं रिकॉर्ड ठीक है, नहीं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं देख लूंगा से वो स्टेटमेंट में चेक कर लूंगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ मैडम उतना होता तो मैं इतना यहाँ तक क्यों आता था मैं। 81,000 है सर आपका टोटल मैडम, वो आपका क्या बोलते है ये है ना इंटरेस्ट पेनाल्टी गिनाल्टी जो भी डाल के पूरा करके रखे ना मैडम, वो पूरा बोले तो सही बात है, सही बात है मैडम, तो उतना हो गया तो कोशिश करा ना, थोड़ा कम में हो गया तो थोड़ा जरूर तरफ से थोड़ा यू है ना, तो मैं कोशिश करूंगा कि जो भी आप सेटलमेंट अमाउंट मेरे को दोगे। हाँ सर, आपको वन टाइम में होना है या इंस्टॉलमेंट? नहीं देखो मैं कर लूंगा तो वन टाइम ही कर लूंगा मैं, इंस्टॉलमेंट में मैं रखना नहीं चाह रहा हूँ। क्यों बोलो तो अभी मेरा जॉब का भी थोड़ा इश्यू चल रहा है, इसलिए मैं अभी इंस्टॉलमेंट में रखूंगा, तो एक इंस्टॉलमेंट बाउंस हो जाएगा तो फिर मैं फिर रामकानी पे पहले का ही हो जाएगा वो, ठीक है ना, वहां तक मैं जाना नहीं चाह रहा हूँ, जो भी है वन टाइम में खत्म कर देंगे करके देख रहा हूँ मैं, ठीक है ना। बाई चांस हो गया तो कम में हो गया तो मैडम मेरे को प्लीज रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आई विल ट्राई फ्रॉम माय साइड सर। हाँ ओके ओके मैम, थोड़ा कोशिश कीजिएगा, ठीक है ना। ओके ओके।